दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना चाहिए दोस्तों। तो आज फिर निकले हैं दोस्तों। आज एक्चुअल में जाना है गृह मंत्री जी के घर, क्योंकि बड़ा ही पावन और पवित्र त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन। तो ये बोले कि भाई चलो चलते हैं, क्योंकि उस दिन तो घर पे भी सिस्टर लोग आएंगी। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, क्यों नहीं। तो अब वहीं निकले थे और रास्ता बोले तो वही है, तो आपका जाना पहचाना, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। और अक्सर मैं इधर से ही जाता हूँ, चाहे मेरे को उधर दिल्ली साइड जाना हो या मेरठ साइड। और ये जो गाड़ी मेरे बैक साइड से आपको देख रहे हैं, ये जो निकल रही है, ये दिल्ली से आती हुई और बड़ा ही सुंदर एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग कई बार देख चुके हैं इसको। और जैसा कि मैंने स्पीड लिमिट भी आपको इसका बताया था कि हैवी व्हीकल के लिए 80 और कार वगैरह के लिए जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पे होती है। तो अब थोड़ा सा आपको जो है सड़क के भी नज़ारे दिखाए जाएं, जो कि मैं अक्सर दिखाता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, बातें वैसे करते चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों आगे यहाँ पे लगा हुआ है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, तो वो एक लिमिट है, जैसे उसको क्रॉस करने से फाइन लगेगा, आपने देखा होगा। फाइन की भी तो बात है दोस्तों, लेकिन अलग से बात यह है कि आप सेफ आपको जर्नी करना चाहिए। और जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे मुजफ्फरनगर 74 किलोमीटर और मेरठ 18 किलोमीटर है ना। तो ये भी अच्छा है कि हमको पता चलता रहता है कि भाई हमारा डेस्टिनेशन जो है वो कितना दूर रह गया है और हम कब तक पहुंचेंगे। वैसे तो गूगल बाबा सब बताते रहते हैं, लेकिन साइन बोर्ड भी लगे रहते हैं दोस्तों, है ना। मेरठ का बाईपास शुरू हो चुका है प्रतापपुर से, और ये मोदीपुरम तक रहता है। जो मेरठ सिटी है वो एक साइड रह जाता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी अभी काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो यहाँ पे काफ़ी रिसोर्ट्स और ये इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बन गए हैं। तो शुरुआत में जब ये बना था तो यहाँ का पूरा खाली खाली था दोनों साइड में। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है, आप देख रहे होंगे। ये मेरठ बाईपास पे हम चल रहे हैं, और अभी जो पहला इसमें पड़ेगा, इसमें बागपत रोड है एक, वहाँ पे एक कट जाती है सड़क, एक रोहटा रोड है, एक सरदना रोड है। तो तीन है ये, जहाँ से आदमी इस सड़क को छोड़ सकता है। और बाद में क्या है कि सीधे हरिद्वार या ऋषिकेश जाने वाले या देहरादून वाले इसी रोड को यूज़ करते हैं। आपको ज्यादा जल्दी है, चलो चलो चलो। और देखते हुए भी ऐसे जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, जैसे मैंने कुछ गुनाह कर दिया हो। उस साइड में वो ट्रक आ रहा था, मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, अभी ये ड्राइवर महोदय जो है कैब के, हमको बड़ी घूर के देख रहे थे।
दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था आपको कि रक्षाबंधन पे गृहमंत्री जी बोले घर चलना है, राखी देने के लिए आए हुए हैं, वो तो आ गए हम उनको लेके, और ये हम उन्हीं के घर से हैं, बोल रहे हैं, और अभी आपको हम मिलवाते हैं। ये हमारे साले साहब, और आगे चलते हैं, देखते हैं गृहमंत्री जी क्या कर रहे हैं। गृह मंत्री जी जो है वो इधर गृह मंत्री जी खड़े हुए हैं, और इधर हमारे गृह मंत्री जी की भाभी, और अगर हम बोलेंगे तो आपको पता होगा सलज बोलते हैं, तो ये हैं, और इधर कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, राखी वगैरह जो है रखी हुई है। राखी देने आई थी ना, तो देखते हैं गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। ओहो, डिस्कशन चल रहा है, इनको तो आप जानते ही हैं, और ये इनके भाई, और ये गृह मंत्री जी के भाभी, तो कुछ मीटिंग चल रही है भाई आपस में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये कुछ कुछ लेना देना जो होता है वो कुछ कर रहे हैं। ये राखी है, और भाई राखी का त्यौहार जो बड़ा पवित्र होता है, तो गृह मंत्री जी ने बोला कि भाई घर चलना है। मैंने कहा जी जरूर चलेंगे, नहीं तो पता चला कि शाम को रोटी नहीं मिली। तो ये है, तो आए थे हम लोग, तो मैंने कहा भाई इन चीज़ को आपको भी शेयर किया जाए। ये अच्छा किया, अभी एक्चुअल में इन्होंने घर रेनोवेशन कराया है, तो पार्किंग का जगह इन्होंने घर में ही दे दिया, ये भी अच्छा रहा। दो फ्लोर हैं ये, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है ना दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों निकल चुके हैं गृह मंत्री जी के घर से, और ये इनके गांव की गलियां कह सकते हैं। सामने मेरठ बागपत रोड आ जाएगा, ये आ गई है मेरठ से बागपत वाली रोड, लेफ्ट हैंड से बागपत चले जाएंगे, और राइट हैंड से हम लोग मेरठ होते हुए चलेंगे अपने घर। छोटी सी वीडियो आपके सामने शेयर किया था कि रक्षाबंधन पर गृह मंत्री जी अपने घर गए और वहाँ पर राखी दे के आए, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन तो बहन लोग भी घर में आती हैं दोस्तों, तो तब जाना नहीं होता, तो वो कहने लगे कि चलो भाई आज ही दे आते हैं, तो हम लोग गए थे। तो बताइएगा दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा, अगर दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बढ़िया से रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।